के सिलेबस में है हम और डे 48 में जिसमें अपने चैप्टर संख्या 5 कर रहे हैं, 5 का आधा भाग हमने कंप्लीट कर लिया जिसमें गति के नियम कुछ बातें पढ़ी थी। इससे पहले हमने प्रतिक्रिया बल, घर्षण बल और भार इनको पढ़ लिए हैं, वो सारी बातें अब सारी काम आएंगी। और अब आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो ये एग्जाम्स के अकॉर्डिंग देखें तो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है एनुअल एग्जाम में, उसके अलावा भी कंपटीशन वगैरह में भी इससे कंसेप्ट, काफी कंसेप्ट पूछे जाते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है समतल वृत्ताकार पथ पर वाहन की गति और सुरक्षित चाल। कि अगर वृत्ताकार पथ आते हैं, वृत्ताकार पथ का मतलब कैसे है कि कोई मोड़ आते हैं सड़कों पर, नॉर्मली हम हाईवे पर या गली मोहल्ले में कहीं पर भी जब गति करते हैं तो वहां पर कोई सड़क इस तरह से घूम रही है, कोई आगे इस तरह से घूम रही है, तो वो घुमाव जो होते हैं वो कभी भी इस तरह के नहीं होते। ऐसा नहीं है कि ऐसे मुड़ गए, ज्यादातर हाईवे पर क्या रहता है इस तरह से घुमाव होते हैं, आगे ये सड़क घूम रही है इधर जाना है तो ये फिर इस तरह से घूमेगी। यानी कहीं पर भी देखें तो ये जो घुमाव होंगे वो किसी न किसी एक वृत्त के पार्ट होंगे। अगर हम उस सड़क को कि यहां से इतनी घूमगी, अगर इसको यहां पूरा बढ़ाएं तो ये एक क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। इसलिए इस भाग को कहते हैं वृत्ताकार भाग, इस भाग को वृत्ताकार भाग कहते हैं। अब इस भाग पर जो गति है वो किस प्रकार से होती है वाहन की, उसकी हम बात करेंगे, कैसे सुरक्षित चाल याद करेंगे उसकी, कि किस चाल से वाहन जो है वो सुरक्षित गति कर सकता है। सुरक्षित का मतलब है कि उसका एक्सीडेंट नहीं हो, वो गिरे नहीं, बाइक है, साइकिल है, गाड़ी है, वो स्लिप नहीं हो उस वाहन, उसके लिए हम फॉर्मेट डायग्राम करें। समतल ले रहे हैं हम, समतल क्यों ले रहे हैं, समतल सभी बातें करेंगे इसमें, समतल क्यों ले रहे हैं, जो हाईवे की जो सड़कें बनाई जाती है नॉर्मली उनमें झुकाव होता है, एक तरफ से थोड़ी सी ऊपर उठी रहती है और एक तरफ से थोड़ा सा झुकाव होता है, यानी उनको इंक्लाइंड रोड कहते हैं, उनको जो किसी बंकित सड़क कहते हैं हिंदी में, बंकित सड़क, बंकित पथ, बंकित का मतलब वो किसी कोण पर झुकी हुई है। उन पर जब हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे, उनके लिए भी करेंगे तो उनके लिए रिजल्ट्स अलग आते हैं, उनकी हम बात करेंगे। क्योंकि हमने प्रतिक्रिया बल में पढ़ी थी ये बात कि अगर समतल है तो जो भार होता है वो हमेशा नीचे की तरफ, ये सारी बातें मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार, सारी काम आएगी। किसी भी वस्तु का भार जो होता है वो हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। प्रतिक्रिया बल जो होता है वो उस सतह के लंबवत, सतह अगर ऐसी है तो 90 डिग्री ऐसी है ऊपर की तरफ, अगर सतह ऐसी हो गई तो ये 90 डिग्री भी इधर घूम गया, सतह ऐसी हो गई तो 90 डिग्री भी इधर घूम गया, सतह ऐसी हो गई तो 90 डिग्री भी इधर घूम गया। तो सतह के ठीक लंबवत भार के विपरीत ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। घर्षण बल की बात करेंगे हम, सारे बल एक साथ लेंगे हम, अब अगर वो डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो वो आप एक बार और देख ले, समझ ले, पढ़ ले उसको। घर्षण बल की अगर बात करें तो घर्षण बल क्या है, जब भी वस्तु किसी सतह पर गति करती है तो संपर्क सतहों के मध्य, जहां वस्तु दूसरी सतह को टच करती है उसके बीच में गति के विपरीत बल कार्य करते हैं, उसको घर्षण बल कहते हैं, जो गति का अवरोध करता है उसी के कारण गति जो है वो धीमी पड़ जाती है। हमने काफी एग्जाम्पल्स भी लिए थे कि बॉल को फर्श पे गति करवाएं, रेत में गति करवाएं, एक समान बल लगा के फेंकें तो भी अलग अलग दूरी तय करेगी क्योंकि वहां घर्षण के मान अलग अलग है। घर्षण कहाँ होते हैं, जहां कोई वस्तु किसी दूसरी सतह को टच करती है, संपर्क में आती है, वहीं पर क्या होता है, घर्षण होता है। अब हम बात कर रहे हैं समतल सतह की, तो हम अभी बात नहीं कर रहे कि झुकी हुई सड़क की बात नहीं कर रहे अभी हम नॉर्मल किसी गांव की गलियों की बात कर रहे हैं जहां पर ऐसा झुकाव होगा, कुछ नहीं बढ़ाया जाता वहां तो सीधे चिपका दिया जाता काम, तो वहां तो क्या करते हैं सीधी रोड, प्लेन रोड ही बना देते हैं, तो वो समतल पथ होता है। अब घुमाव तो वहां भी होते हैं, गली इधर मुड़ रही है इधर मुड़ रही है तो घुमाव तो वहां भी होते हैं, लेकिन वहां पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, प्लेन रोड जो है वो बना दी जाती है, उनके कोणों का ध्यान नहीं दिया जाता है। कोण से क्या होता है, किसी कोण पर अगर झुका दिया जाए थोड़े कोण पर सड़कों को तो उससे वाहन की गति आसान हो जाती है, यानी वो ज्यादा स्पीड से गति कर सकती है वाहन, जो कम स्पीड से गति कर सकता था पहले वो अब ज्यादा स्पीड से सुरक्षित गति कर सकता है जिससे उसका एक्सीडेंट नहीं होता। हम बात करते हैं पहले तो वृत्ताकार पथ पर होता क्या है, अगर प्लेन पथ है, सीधा पथ है, सीधी सड़क है तो गाड़ी सीधी चलेगी, ऐसे बिल्कुल सीधी चलेगी,
अब सीधी चलेगी तो उसकी गति के विपरीत क्या होगा, आकर्षण बल कार्य करेगा, भार उसका नीचे की तरफ काम करेगा, प्रतिक्रिया बल उसका हमेशा ऊपर की तरफ काम करेगा। लेकिन वृत्ताकार पथ पर क्या होता है, वृत्ताकार पथ पर क्या पढ़ा था तुमने, ये मान लेते हैं कोई वृत्ताकार पथ, ये इसका सेंटर, कोई ना कोई तो सेंटर होगा, कोई ना कोई बिंदु होगा जो इसका केंद्र होगा, ये इसका केंद्र बिंदु है O, और ये इसकी त्रिज्या है कितनी R। यहां पर गाड़ी कोई चल रही है, यहां पर कोई गाड़ी मान लेते चल रही है, तो जैसे ही घुमाव पर गाड़ी आती है तो हम क्या देखते हैं, हम जैसे स्टेरिंग को घुमाते हैं या बाइक के हैंडल को घुमाते हैं तो उसके जो टायर हैं नॉर्मली क्या रहते हैं, गाड़ी के बिल्कुल बीच में रहते हैं, सेंटर में। लेकिन जैसे हम स्टेरिंग घुमाते हैं तो स्टेरिंग से क्या घूमता है, टायर घूमते हैं, हैंडल से क्या घूमता है, टायर घूमता है, तो टायर ऐसे घूम जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जो उसकी बॉडी शेप होती है गाड़ी की, बाइक की, साइकिल की, तो उससे क्या होते हैं, उससे बाहर निकल जाते हैं। तो टायर की गति किस तरफ हो गई, बाहर की तरफ, इसलिए घर्षण बल किधर लगेगा, टायरों की गति के विपरीत। इस समय घर्षण बल किधर कार्य करते हैं, अंदर की तरफ, अंदर का मतलब किधर, केंद्र की तरफ कार्य करता है, कहां पर, घुमाव पे। प्लेन रोड पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लेन चल रही है, दिक्कत कहां आती है, घुमाव पे आती है, इसलिए घुमाव की बात कर रहे हैं। तो घुमाव पे क्या होता है, टायर बाहर की ओर निकल जाते हैं और घर्षण बल किधर काम करते हैं, अंदर की ओर, अंदर का मतलब किधर, केंद्र की ओर। तो हमें शॉर्ट में लिखें तो इसके अंदर ये बात नोट करनी है कि जब कोई वाहन किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस समय गति के दौरान उसके टायर बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जिससे उस पर घर्षण केंद्र की ओर कार्य करता है। अब उसके अलावा वो क्या क्या कार्य करेंगे इस पे एक तो क्या काम करेगा, एम जी किधर काम करता है, हमेशा नीचे की तरफ। एम जी क्या है, एम जी एक बल है, जो वस्तु का भार है, जो उस कार का, बाइक का, साइकिल, जो भी व्हीकल है उसका क्या है, भार है, वो क्या है, बल है, वो किधर काम करेगा, नीचे। प्रतिक्रिया बल किधर काम करेगा, ऊपर की ओर। यहां हमने कोई कोण नहीं लिया, सड़क झुकी हुई नहीं है, आप इस बात को ध्यान से समझ लें, जो छोटी छोटी बातें हैं इनको, अगर ये समझ में आ जाएगी तो अगला टॉपिक समझ में आ जाएगा, उसके अगला समझ में आ जाएगा, ये गड़बड़ रहेगा तो फिर आगे वाला भी गड़बड़, उसके बाद वाला भी गड़बड़ रहेगा, क्योंकि सभी के अंदर हम एक बात जोड़ देंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या बात जोड़ देंगे कि सड़क झुकी हुई है, हाईवे की सड़क है, जिसका एक किनारा अंदर है, दूसरा किनारा ऊपर उठा हुआ बाहर की ओर है, तो जब थीटा आ जाएगा तो थीटा में हम प्रतिक्रिया बल में पढ़ चुके हैं ये बात, थीटा में जब कोई वैल्यू थीटा पे आ जाती है तो उसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक कर देते हैं, तो यहाँ एफ के भी क्या कर देंगे हम, वहां क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक, एफ साइन थीटा, एफ कोस थीटा, बस इतना ही करना, कुछ नहीं करना उसमें। फिर बाद में एक बात और बढ़ा देंगे हम उसमें कि घर्षण कार्य कर रहे हैं, घर्षण कार्य कर रहा है तो एफ ले लेंगे, नॉर्मल जब घर्षण कार्य नहीं कर रहा तो आर भी क्या हो जाएगा, अगर इस कोण पे लेंगे तो आर जो ऐसे है वो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, आर भी थीटा कोण पे चला जाएगा, आर थीटा कोण पे चला जाएगा, तो इसके भी कितने घटक हो जाएंगे, दो घटक हो जाएंगे, तो बस इतना हम उसके अंदर ऐड करते रहेंगे। लेकिन बेसिक बात यही करेंगे हम, बार बार भी इसी डायग्राम का यूज करने वाले हैं, इसीलिए इसको ध्यान से देख लें। हम क्या लिया, हमने कोई आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर कोई वाहन गति कर रहा है, हमने क्या माना है, हमने माना क्या, आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर कोई वाहन गतिशील है, ये हमने मान लिया। दूसरी बात इसमें क्या बतानी है, जब वाहन वृत्ताकार पथ पर घुमाव पर गति करता है तो उसके टायर बाहर की ओर निकल जाते हैं, इसलिए घर्षण बल किधर काम करता है, केंद्र की ओर। एक बात और हमें ध्यान रखनी है इसके अंदर कि वृत्ताकार पथ पर गति जब कर्ण करता है तो उस पर हमेशा एक बल केंद्र की ओर कार्य करता है, उसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। ये बात हम पिछले चैप्टर की लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं, चौथे चैप्टर में। तो वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण में, वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण पर
केंद्र की ओर बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसकी डिटेल हम बात कर चुके हैं, पूरी डिटेल कैसे करता है, कैसे फॉर्मूला आता है। उस बल को एफ सी से लिखते हैं, सी फोर सेंट्रीपिटल, उसका मान होता है एम वी स्क्वायर अपॉन, ये बात हमें ध्यान रखनी है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होती है इसकी भी। तो ये भी हम यूज करते हैं इसके अंदर डायरेक्ट, यहां यूज करेंगे। अब देखो, अब अपने क्या करना है, अपने को इसमें बताना है कि कौन कौन से बल लगे। केंद्र की ओर कौन सा बल लग रहा है, इधर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। अभिकेंद्रीय बल के बारे में एक बात आप ध्यान रखना, सबसे ज्यादा यूज होता है ये अभिकेंद्रीय बल ग्यारहवीं में और पूरी बारहवीं में, हर जगह यूज होता है, 10 बार से ज्यादा यूज होता है इसका कम से कम। अभिकेंद्रीय बल जहां भी कार्य करते हैं, जहां भी कार्य करते हैं वहां उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अभिकेंद्रीय बल हमेशा किसी अन्य बल से मिलते हैं। जो ग्रह के चारों उपग्रह भी गति करते हैं, वो भी वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, तो वहां भी अभिकेंद्रीय बल लगते हैं। अभिकेंद्रीय बल वहां गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है, हर जगह अभिकेंद्रीय बल का एक अलग स्रोत होता है। तो यहां पर अभिकेंद्रीय बल वृत्ताकार पथ पर गति के लिए आवश्यक है अभिकेंद्रीय बल, जो किसी अन्य बल से प्राप्त होता है। कोई ना कोई बल वहां जरूर कार्य करता है जिससे अभिकेंद्रीय बल मिलता है। यहां कौन सा बल है, कौन सा बल है, घर्षण बल है। तो यहां घर्षण बल कण को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। दूसरी बात ये कि यहां घर्षण बल कण को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। आप इसको थोड़ा सा इजी तरीके से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि यहां निम्न बल, इस स्थिति में निम्न बल कार्य करते हैं, लिख देता हूं मैं, इस स्थिति में निम्न बल कार्य करते हैं। तो जो बल लग रहे हैं वो सबके बारे में बता दो। सबसे पहले क्या है, वाहन लिया हमने, वाहन कह दो या वस्तु कह दो, उसका भार किधर काम कर रहे हैं, नीचे की ओर। भार क्या है, mg, किधर काम कर रहे हैं, नीचे की ओर काम कर रहे हैं। और दूसरा, प्रतिक्रिया बल काम कर रहे हैं, दिख रहा है हमें प्रतिक्रिया बल, r किधर काम कर रहे हैं, तल के लंबवत ऊपर की ओर। और क्या काम कर रहे हैं, f कौन सा बल है, घर्षण बल, किधर काम कर रहे हैं, केंद्र की ओर, हमेशा केंद्र की ओर, केंद्र की ओर कार्य करती है, विपरीत कार्य करते हैं। यहां गति टायरों की किधर है, बाहर की ओर, इसलिए बल किधर लग रहा है, केंद्र की ओर। और अभिकेंद्रीय बल किधर लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल का मान क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, अभिकेंद्रीय बल एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी किधर लग रहा है, केंद्र की ओर। और घर्षण बल भी अभिकेंद्रीय बल के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमेशा कोई भी वस्तु, कोई भी कण वृत्ताकार पथ पर तभी गति कर सकते हैं जब वहां लगने वाला बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी जब किसी भी नाभिक के चारों ओर गति करते हैं, ये बातें हम पढ़ लेते हैं दसवीं में, इलेक्ट्रॉन भी जब किसी भी नाभिक के चारों ओर गति करते हैं तो वहां पर भी कूलाम बल लगता है, जो हम बारहवीं पढ़े हैं, कूलाम बल K Q1 Q2 / R2। तो वहां पर वो कूलाम बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, तब वो वृत्ताकार पथ पर गति कर पाता है। ठीक है, उपग्रह जो गति करते हैं वहां पर भी गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, तब वो गति कर पाते हैं। अगर इनका बैलेंस बराबर नहीं हो तो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है तो वो उस ग्रह को, उस उपग्रह को अपनी ओर खींच लेगा और वो वापिस जमीन पर आकर गिर जाएगा। तो ये मस्ट कंडीशन है कि अभिकेंद्रीय बल वहां पर लगने वाले किसी अन्य बल के बराबर होगा ही होगा। अब देखो, हमें इस डायग्राम से क्या दिखाई दे रहे हैं, mg और r बराबर है, दोनों संतुलित कर रहे हैं एक दूसरे को, और अभिकेंद्रीय बल कहां से मिल रहा है, घर्षण बल से। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो क्या आएगा, आप लिख सकते हो चित्र से, चित्र से हमें दिखाई दे रहे हैं
क्या दिखाई दे रहे हैं कि पहली बात तो R बराबर क्या है, क्या है mg, ठीक है। दूसरी बात, एक समीकरण नंबर एक आ गई, दूसरी आ गई F बराबर क्या है mv स्क्वायर अपॉन R, समीकरण नंबर दो। अब हमें क्या निकालना है, सुरक्षित चार्ज, इस वर्ड को भी ध्यान रखो, यानी ऐसे टॉपिक्स में, ऐसे टॉपिक में हमें सोल्व क्या करना है, हमें चार्ज का सूत्र निकालना है, उसी के लिए तो हमने ये सारे काम किए हैं, ये सारे डायग्राम किए हैं। सुरक्षित चार्ज यानी उसकी चार्ज क्या होगी, कितनी चार्ज हो सकती है उसकी अधिकतम, वो हम निकाल लेंगे। उससे कम चले तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा स्पीड से चलेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो वहां पर क्या करें, हमें किसका मान निकालना है, तो ये हमें पता होना चाहिए। हमें, हम यहाँ सोल्व क्या करने वाले हैं, हम यहाँ सोल्व करने वाले हैं वी का मान, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। वी का मान सोल्व करने के लिए समीकरण दो में एक का भाग दे दो, वी का मान निकालना है, जिसका मान निकालना उसको ऊपर रखो, ठीक है। क्यों दे रहे हैं, देखो एम इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। एफ घर्षण बल की परिभाषा लगा देंगे, घर्षण बल का मान प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, एफ बराबर म्यू आर, पिछली क्लास में पढ़ा हमने घर्षण बल के बारे में। तो दो में क्या करो, एक का भाग कर दो, भाग कर दो, दो में एक का, तो एलएचएस में एलएचएस का कर दो और आरएचएस में आरएचएस का कर दो, तो ये आ जाएगा। इधर लिख देता हूं मैं, आरएचएस को इधर लिख देता हूं, एम जी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल अपॉन, भाग में क्या करें एम जी, इसमें इधर वाले साइड भाग देंगे, और इसमें क्या आएगा एफ, एम जी स्क्वायर लिया ना ये साइड ऊपर अपॉन आर, एफ इज इक्वल टू क्या होता है म्यू आर, घर्षण की परिभाषा से। सारी चीजें आप साथ साथ करते रहे तो दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, सब चीजें हमें जो बेसिक हमने पढ़ा है इन सब के बारे में, इसीलिए अलग अलग पढ़ा है, विघर्षण क्या होता है, प्रकार कितने होते हैं, प्रतिक्रिया बल किसे कहते हैं, भार क्या होता है, सब के बारे में पढ़ लिया, अब सबको एक साथ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ एफ इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, म्यू आर, ये एम से एम कैंसिल आउट हो गया, वी स्क्वायर अपॉन क्या बचा आर इंटू जी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी, एफ की जगह क्या रखा म्यू आर, आर, आर से आर कट गया, हमें तो वी का मान निकालना है, आर जी को इधर ले जाओ, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देगा म्यू आर जी, वी इज इक्वल टू क्या देगा अंडर रूट म्यू आर जी, और ये इसकी सुरक्षित चाल का फॉर्मूला होता है। इसको बुक्स में ऐसे ऐसे भी यूज कर लिया जाता है, या इसको ऐसे लिख देते हैं वी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू म्यू आर जी, यानी म्यू आर जी, सॉरी वी इज लेस देन एंड इक्वल टू म्यू आर जी, म्यू आर जी क्या आ गया अंडर रूट सूत्र आ गया। ये इस सूत्र में म्यू क्या है घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक किस पर निर्भर करेगा, जिस पदार्थ की सड़क बनी हुई है उस पर निर्भर करेगा। आर क्या है, जो वृत्ताकार पथ है इसकी त्रिज्या है, ये कितना बड़ा है, इसलिए बड़ा घुमाव होता है, ज्यादा आर का मान ज्यादा होगा तो वी का मान भी ज्यादा आएगा, इसका मतलब बड़ा घुमाव होगा तो हम इसी वे में वहां गाड़ी चला सकते हैं, थोड़ा तेज भी चल जाएगी। लेकिन अगर जो छोटा घुमाव होता है, जो ऐसा ही घुमाव है ऐसा ही है, उस पे चलाने बहुत समस्या हो जाती है, वहां हम ज्यादा तेज नहीं चला सकते, वहां हमें बिल्कुल स्लो करके निकालनी पड़ती है। जी तो कांस्टेंट है ही, गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसका मतलब वी का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर घुमाव छोटा है तो ये ध्यान रख लें, इन फ्यूचर अगर घुमाव छोटा है तो स्लोली निकले, अगर घुमाव बड़ा है तो उसके अनुसार स्पीड थोड़ी रखी जा सकती है। इसीलिए घुमावों पर खासकर खासकर वो बोर्ड लगे रहते हैं, भी यहाँ स्पीड लिमिट 40 है, 60 है, 70 है, 80 है, तो वो बता दिया जाता है वहां इसी स्पीड तक गाड़ी आप चला सकते हो, उससे ज्यादा वहां चलाने भी नहीं चाहिए। तो अब ये इसका इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है, यानी वी का मान ये क्या बता रहा है, ये सिंबल बता रहा है कि इधर इधर वाला जो मान है वो कम है, ठीक है। और इसके नीचे ये सम सिंबल है, ये किसका है बराबर का है, तो या तो क्या होना चाहिए, इसका जो उत्तर आएगा उससे कम होना रखना है अपने को चाल का मान, या तो इसे कम रखना है या ज्यादा से ज्यादा इसके बराबर रखना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि ज्यादा ये नहीं चल सकते, ज्यादा चलाएंगे तो फिर क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी गाड़ी, बाइक स्लिप हो जाएगी और दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए इसे कहते हैं सुरक्षित चाल का व्यंजक। जब हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने होते हैं, अभी बुक में दे रखा है कि एग्जांपल सोल्व कर लेना, कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको त्रिज्या का मान दे रखा है और घर्षण गुणांक का मान दे रखा है, इसमें रख के सोल्व कर लो, कि इस तरह क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि कोई व्यक्ति साइकिल पर साइकिल चला रहा है, वो 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, वो घर्षण गुणांक 1.6 है और
शायद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो क्या वो चल पाएगा, इस तरह से दे रखा है। तो अगर उसकी चाल दे रखी है तो आप उसको निकाल लो इसके अनुसार। जैसे ये दे दिया कि वो गति कर रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, आपने मान रखने के बाद उत्तर निकाला, उत्तर आया 15 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा किस स्पीड से चल सकती है गाड़ी, 15 मीटर प्रति सेकंड से, लेकिन वो किसे चला रहा है 20 से, तो वो इस घुमाव को पार नहीं कर पाएगा सुरक्षित और वो यहां गिर जाएगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस समीकरण की जरूरत पड़ती है और समीकरण में बराबर का निशान लेते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल करते समय आप उसको इक्वली ले सकते हो बराबर भी। लेकिन रिलेशन की बात करें तो सुरक्षित चाल के लिए आप ये रिलेशन लिख सकते हो कि v का जो मान है वो इससे फॉर्मूला से जो उत्तर आएगा उसके लेस देन हो या इक्वल, या तो कम हो या फिर बराबर हो। जैसे स्पीड लिमिट 80 लिख दी तो 70 चला रहा कोई, कह भी 80 लिख दी तो 70 चला सकते हैं क्या, तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है भाई। 80 लिख दी तो तुम 40 भी चला सकते हो, 30 भी चला सकते हो, 60 भी चला सकते हो, 70 भी चला सकते हो और 80 भी चला सकते हो, लेकिन 80 से ऊपर नहीं चला सकते। अगर कहीं पर स्पीड लिमिट लिख दी कि यहाँ स्पीड लिमिट आगे घुमाव है, गाड़ी धीरे चलाए, स्पीड लिमिट 30, तो इसका मतलब 30 तक आप वहां इजी वे में ले सकते हो। तो ये सुरक्षित चाल का व्यंजक है। अगर ये कहा जाए सुरक्षित चाल के लिए व्यंजक निकालें तो हमें हमेशा किसका मान निकालना है, वी का मान निकालना है। मेथड एक ही है, अभी आप इस मेथड को पकड़ लें, यही मेथड है, हम हमेशा ये लिखेंगे और हमेशा क्या करना है, समीकरण दो में एक का भाग देना है और वी का मान हमें निकालना है। अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज कुछ और ऐड हो जाएंगी, वो डिपेंड करेगा आगे जब सिचुएशन हम लेंगे कि कोण पर है तो घटक आ जाएंगे, साइन थीटा कोस थीटा आ जाएंगे तो उनकी फॉर्म में सोल्व कर लेंगे, घर्षण आ जाएगा घर्षण के भी घटक आ जाएंगे तो उसके अनुसार सोल्व कर लेंगे। तो इसके हम दो भाग और पढ़ेंगे, दो भाग और पढ़ेंगे तो उनके अंदर फिर हम इन्हीं बातों का दोबारा जिक्र करेंगे, इसलिए इनको समझ लें, लिख लें और थोड़ा पढ़ लें अच्छी तरह से, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे।